मोदी जी के गुरु कौन है? अडवाणी जी। शिष्य गुरु के सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, स्टेज से उठा के फेंक दिया नीचे गुरु को, जूता मार के अडवाणी जी को उतारा स्टेज से, और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा है कि हिंसा करनी चाहिए? कहां लिखा है मुझे दिखाओ, कहीं नहीं लिखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप लोग, हम लोग जहां भी जाते हैं प्यार की बात करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, न्याय की बात करते हैं, किसान की मदद, मजदूर की मदद, गरीबों की मदद। विचारधारा की लड़ाई में आपको बता रहा हूं, 2019 में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, हम सब की विचारधारा जीतने वाली है। और उसके बाद जो सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, झूठ नहीं बोलने वाला, सच्चाई सुननी है, इधर आओ। 15 लाख नहीं दिया जा सकता, 3 लाख 60 हजार रुपए दिए जा सकते हैं। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार नहीं दिया जा सकता, मगर 22 लाख सरकारी रोजगार है उनको हम भर देंगे एक साल में। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, वो हम कर देंगे। किसानों की मदद की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कभी आप जाएं, धान के लिए 2500 रुपए मिल रहा है, हर किसान को मिल रहा है, एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है, और यह काम हम आपके लिए करना चाहते हैं और करेंगे। मगर सबसे जरूरी चीज यह भाईचारे और प्यार का देश है। नफरत से यहां किसी का फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान है। तो आप सबको, हम सबको एक साथ मिलकर इस देश को आगे ले जाना है, प्यार से सबको जोड़कर, सबके लिए जगह बनाकर, समाज के सब लोगों को जोड़कर प्यार से यह देश आगे जाएगा, और वो 2019 में काम शुरू हो जाएगा। आप सब दूर दूर से आए मेरी बात सुनने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।